शैतान, अगर मैं तुम्हें चार मुंहों की बलि दूं तो? तो आज से सारी ताकत तुम्हारी। मौका मिले तो हम भी देखें कि आखिर ये चीज है क्या। वो एक्चुअली मेरी बस छूट गई, पता है। और आज मौसम खराब है, रास्ते बंद है और अगली बस यहाँ से एक दिन बाद ही निकलेगी। हाँ, लेकिन लेकिन इस सराय के अलावा यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है और आपको धर्मशाला पहुँचना है ना आज से दो दिन के बाद क्रिकेट टीम सिलेक्शन के लिए। ये बात आपको कैसे पता? क्योंकि आप पहले नहीं है आने वाले। आइए, अंदर आइए।
ई है आपका कमरा और यहाँ पे गुसलखाना है जहाँ पे गर्म पानी सुबह को 3 घंटे और शाम को 3 घंटे आता है। वैसे यहाँ खाने का कैसी ना? खाने का? खाने में आपको जो भी चाहिए बस हुक्म कीजिए, हाजिर हो जाएगा। अच्छा जी। जी। चलिए। एक बात पूछें आपसे। पूछूं? थोड़ी अंदरूनी है। पूछ भी लो। आपके पेट में सचमुच में बिस्किट है क्या? मतलब? खड़े हो जाइए ना। ई बिस्किट। ई बिस्किट नहीं, इसे एप्स कहते हैं। बिल्कुल असली है। चाहो तो टच करके देख लो। कोई फोटोशॉप नहीं किया। वैसे कैसे लगा मेरा बिस्कुट? बहुत अच्छा, ये भी और आप भी। कोनो चीज की जरूरत हो बस घंटी मार दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। कोई भी चीज। हम अभी आते हैं। एक मर गया, 4 अभी बाकी है। क्या बात है केदार, तुम तो बड़े फास्ट निकले यार। आने से पहले नेट का इंतजाम कर लिया? अरे कहाँ सर, नेट तो पहले से ही लगा हुआ है यहाँ पे। पहले से लगा हुआ था? हाँ। मतलब हम चारों के पहले भी यहाँ कोई क्रिकेट खेल रहा था? ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। अब छोड़िए ना सर, हमें क्या करना है सर, आम खाते हैं ना, घुट लिया गया गिनना। चल बैटिंग करो। ढंग से खेलना, मैच में सिलेक्शन होना चाहिए तुम्हारा। बिल्कुल सर। चलो सर रेडी। फोकस बॉय, फोकस। अगर विकेट बचाना चाहते हो ना तो सम्राट के पीछे भागना छोड़ दो। 2-4 बार ड्रग्स के चक्कर में फंस चुका है वो। लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना तो नो बॉल के पीछे भी मत भागो। रेडी? यस सर। गुड शॉट केदार, गुड शॉट। सॉरी सर, मैंने आपकी बॉल पे 6 मार दी। मैं बॉल लेके आता हूँ, कोई टेंशन नहीं। सर मैं लेके आता हूँ ना, आप रुकिए। मेरी बॉल पे 6 गया है ना तो मैं ही बॉल लेके आऊंगा। वाओ सर, क्या कमाल है, मतलब सर व्हाट अ डिसिप्लिन। सर आपके साथ ना बहुत ही मजा आएगा क्रिकेट खेल कर, सही में। आता हूँ मैं। Oh.
अभिषेक ये सब बच्चो सराय में एक शैतान मौजूद है तुम्हीं में से कोई एक है जिसने मेरी बलि दी है उस शैतान तुम लोगों को भी मार देगा भाग जाओ जाओ केदार 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 क्या वो सर भाग क्यों रहे हो आप अभिषेक ज़ॉम्बी बन गया भाग गया से क्या हम लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं यार कोई शैतान है जो हमारी बलि देने वाला है हम लोग सब मरेंगे यार अब आप बौरा गए हो क्या हाँ क्या नाम शनाप बोले जा रहे हो मेरी बात मान मैंने अभिषेक को देखा है अभिषेक को देखा कहाँ है नहीं था मर गया वो ज़ॉम्बी बन गया है वो अरे हंस क्या रहा है यार मैंने उसकी उंगली कटते हुए देखी है सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ मजाक हो रहा था मजाक हाँ ये दोनों बहुत ही मजाक करते लोगों के साथ सम्राट सर रविना सर और मैंने पढ़ा भी है स्पोर्ट्स वीकली में पर ये लोग मजाक क्यों करेंगे यार अब मैं बताता हूँ जो मिला तेरे से क्या बोला उसने तुझे भाग जा यहाँ से ये बोला ना अब समझा करना बौड़म क्यों बोलेगा वैसा तुझे ताकि तू भाग जाए एक कॉम्पिटिशन उसका कम हो जाए उसके टीम में घुसने के चांसेस बढ़ जाए सम्राट को खूब अच्छे से जानता हूँ करता रहता है ऐसा समझा क्या जानता है तू जानता क्या है मेरे बारे में जब से आया हूँ देख रहा हूँ बकवास किया जा रहा है मेरे बारे में तू कौन सा मजाक और मैं भला क्यों करूँगा कोई मजाक तुम लोग के साथ तू पहलवान सब पता है तेरे बारे में समझा और तेरे सारे कांड और क्या वो जलवा विद जौहर उस पर भी जो तूने सारे कांड किए ना तो दुनिया को भी पता है ये जो तू अपनी बैड बॉय इमेज बना के रखता है ना सिर्फ इसलिए तेरी बैड क्रिकेट को जनता बर्दाश्त कर सके देख रवि ये मेरी पर्सनल लाइफ तू ना अपने हाथ में रिया कर सच ये क्या कर दिया आपने हम सम्राट जी के लिए दूध लाए थे सारा गिरा दिया अरे क्या सम्राट 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 हम भी तो खड़े हैं इतना खिसियाए काहे रहे हैं हाँ और ये क्या जबरदस्ती बात बात में सम्राट जी को उकसाना बंद कीजिए इतना जलते काहे हैं आप उनसे औकात मेरा तू जलते का है बस बहुत हो गया अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने ये मजाक कराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अभिषेक को तो मैं ढूंढ के रहूंगा और फिर वही बताएगा कि ये मजाक था या नहीं देखिए दिन में तो ठीक है पर रात को ज्यादा दूर ना जाइएगा यहाँ जंगली जानवर है और उसे जान का खतरा ये चार अब इन चारों की बारी है इन चारों की रूहों की बलि देते ही मेरी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी उसने तो मिल जाया
वो ज़ॉम्बी अभिषेक ही था। लेकिन उसके साथ हुआ क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके कमरे में भी कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा है। मैं उसको फोन लगा के देखता हूँ। अरे सर, इससे पहले भी कहा था ना आपको कि मजाक है, सही में मजाक कर रहे हैं सब। निकल सर। क्या देख फो ये तो अभिषेक का फोन है ना। ये अभिषेक का फोन तेरे पास क्या कर रहा है? अच्छा, मतलब तुझे अभिषेक का फोन मिला और तुमने हमें से किसी को बताया तक नहीं। अरे सर, वो दिमाग से निकल गया मेरे। अब सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है, पहले तूने मुझे भड़काया कि ये सब मजाक है, फिर तुझे डाउट हुआ तो तू अभिषेक को ढूंढने खुद अकेला निकल गया, और ये अब अभिषेक का फोन। तेरा सारा खेल समझ गया मैं, समझा? आप कहना क्या चाहते हो? ये सब मैंने किया? नहीं, अभिषेक को मारा है ना तूने, शैतान को बलि चढ़ाया ना। चुप हो, बहुत हो गई इज्जत, पगला गया है तू। अगर फोन छिपाना होता ना तो यहाँ पे लेके नहीं आता, वहीं फेंक देता। जो सोचना है सोच, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब और बकवास की ना तो ही निपटा दूंगा, बच्चा मत समझना। देखा तूने, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मैं कह रहा हूं शैतान को भी बलि इसने चढ़ाई है, अभिषेक को भी इसने ही मारा है, और अब हमारा नंबर भी आ सकता है। सर सर बोल के इज्जत क्या दी, सर पे ही चढ़ गया। जानवर ने उसे मार डाला। क्या? जल्दी बाहर चलो, चलो
जानवर है वहां दिया। यही तो थी उसकी लाश। तो अब कहां चली गई? अब बौड़ा गया है, हमें दौड़ा रही है। चल यहां से चल। अरे मैं सच कह रहा हूँ यार, यही पड़ी थी उसकी लाश। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगा था केदार इन सबके पीछे, लेकिन वो तो खुद मर गया। प्रतीक चल चल। जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रुकने वाला यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो अभिषेक मेरे सामने ज़ॉम्बी बन गया। क्या हो गया? वो जानवर उसको चीर फाड़ के खा गया केदार को। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। चल एक मिनट के लिए मान जाए कि यहाँ हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाहर जाएगी तो कौन सा सेफ रहेगा? सलोनी की बात याद है ना, बाहर जंगली जानवर है जिससे हमें खतरा है। मैं रात को यहीं रुक जाता हूँ, ना किसी को अंदर आने दूंगा ना मैं खुद बाहर जाऊंगा। सुबह होती जल्दी निकल जाऊंगा। पूरा होने वाला है, सिर्फ दो बचे हैं। अरे ज्यादा लोड ना लो पहलवान, कोई बहुत चोट ना आई है तुम्हें, इतना टेंशन मत लो। हाँ पता है मुझे, और तू भी ज्यादा टेंशन मत ले। इस बार कोई चोट मुझे टीम में सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकती। तभी प्रतीक को यहाँ रोक रखा है ना तूने? मतलब? मतलब ये कि बड़ा मजा आ रहा है ना तुझे, हाँ? तू यही कंफर्म करना चाहता है ना कि उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो जाए कि किसी सूरत में वो टीम में ना आ सके, हाँ? पहलवान ये सारा कांड कहीं तूने ही तो नहीं कराया बे, हाँ? अबे ये बात ना मैं तुझसे भी पूछ सकता हूँ, ये सब कुछ तू तो नहीं कर रहा? अबे बौरा आ गया होगा, हम क्या करेंगे बे, हाँ? क्यों नहीं कर सकता? सबसे ज्यादा उतावला तू ही है टीम में आने के लिए, दो बार मैच फिक्सिंग में बैंड हो चुका है तेरा करियर ना ढलान पे। 20 लाख, सिर्फ 20 लाख है तेरा ऑक्शन का बेस प्राइस, और उतने में भी तुझे कोई खरीदना नहीं चाहता। वो अभिषेक तेरी कंप्लेन कर दिया उसने, इसलिए उसे मार दिया। उंगली नीचे रख वरना तोड़ दूंगा। फिर केदार को मार दिया, अब प्रतीक को पागल बना दिया, अब तेरी नजर में अगला टारगेट मैं हूं, मुझे भी मार देगा। अबे उस टाइम पहले तो टोटल आउट ऑफ फॉर्म था, अचानक तेरा फॉर्म सुधर गया, कैसे? कोई जादू टोना कर रहा है क्या? सम्राट जी, ये हम तेल गरम करके लाए, आपके हाथ की मालिश कर देते हैं, आपके हाथ में मोच आई है ना। जा भाई। एक बात बताइए, टीवी में जलवा पे जौहर में जो बता रहे कि सभी लड़कियों के पास आपका नंबर है, वो बात सच है का? क्यों? तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? हम क्या करेंगे आपका नंबर लेके? आज रात के बाद आप थोड़ी ना कभी हमसे मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं। आज रात के बाद क्या पता हम मिले या ना मिले। लेकिन हम वो काम तो बिना नंबर लिए भी कर सकते हैं जिसके लिए नंबर लिया जाता है। क्यों?
कोनो खाम का हुआ हाथ जोर से दबा दिए का सिर्फ दिखने में डर ताकत बहुत है ना तुम्हें चलिए अपना टी शर्ट उतारिए ना आपके बदन का भी मालिश कर देते हैं सच सच ओह क्या बात है मैं जानता हूं कि तुम दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं हो हां दिखने में चुई मुई हो लेकिन तुम्हारे बदन में ताकत बहुत है और तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है तुम्हारी आंखें इतनी नशीली हैं कि एक बार जो देख ले तो बस दीवाना हो जाए अकेले इसकी खातिर हो रही है अरे हम भी तो हैं आपके सराय में हाय 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 तमीज नहीं है क्या तुझमें किसी के कमरे के अंदर आने से पहले दरवाजा नॉक किया जाता है डिस्टर्ब हो गया तुझे डिस्टर्ब अबे बदनाम है तू समझा वो भी हर नुक्कड़ पे भलाई कर रहा हूँ वे भलाई तो मेरी भलाई नहीं अपनी भलाई के बारे में सोच प्रतीक प्रतीक अबे प्रतीक तू ठीक है ना प्रतीक दरवाजा खोल क्या लगा रखा है इसने रुक मैं दरवाजा प्रतीक 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 क्या हो रखा है इसके कमरे का हैं? है क्या ये सब यहां प्रतीक सम्राट तो खून है हो क्या रहा है यहां पे प्रतीक तू क्या हो रखा है यहां पे सम्राट रुकिए अबे जा वो रहा है दर्द तुम्हें हो रहा है हैं मोहब्बत कर लियोगा उससे मोहब्बत हैं वो भी एक दिन का मेहमान है और हम आओ एक ही दिन के मेहमान है यहाँ समझी और उसको देखने वाले बहुत हैं और तुम्हारी तरफ देखने वाला कोई नहीं है हमारे साथ हो लो राज कराएंगे तुम्हें राज औकात में रह समझा आदमी कितना भी भूखा कचरा नहीं खाता कचरा नहीं खाता हाथ छोड़ मार नहीं तो नहीं तो खून कहां से लगा तेरे हाथ में हाँ खून कहां से लगा वो हम आ रहे थे तो
साथ रगड़ा खा गया कील से। ज्यादा दरोगा बनने की जरूरत नहीं है, और अगर फिर तुम हमारे पास आए ना तो काट के रख देंगे, समझे? अमराड जी खुद ही चला गया जंगल में, अब अगर ये वापस ना आए तो मेरा तो टीम में आना पक्का। प्रतीक, 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 कर रही तुम्हारा पीछा काहे? वो हम सोच रहे थे कि तुमने हमसे कहा था ना कि रानी बना के रखोगे, तो तुम सच कह रहे थे या फिर बना रहे थे? तुमको क्या लगता है झूठ बोल रहे थे हम? तो फिर हमारे करीब आओ। केदार, अभिषेक, क्या हो गया तुम दोनों को? भाग जा इससे पहले कि तू मर जाए, भाग जा, हम मर चुके हैं, भाग जा, हमारे नाम की बलि दी जाना बाकी है। मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं? वो देख, तुम्हारे नाम की बलि दी जा चुकी है। ये क्या हो गया अभी? वो रवि के लिए था। अब
तेरी बारी है। वो बॉल तेरे नाम की है। उसने उस बॉल पे टोटका किया है। अगर अपने आप को बचाना है तो तुम्हें उस बॉल को जल्द से जल्द नष्ट करना होगा। तू देना चाहता है? हाँ। क्यों? ये कौन है? शैतान। और सलोनी? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी मंगेतर। प्रतीक, ये सब तू क्यों कर रहा है? किस लिए? क्रिकेट के लिए। एक महीने से मैं व्हीलचेयर पे था, मरना चाहता था मैं, और मरने की कोशिश भी की थी मैंने। ये सब करने की क्या जरूरत थी प्रतीक? क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो जान देने निकल पड़े? हाँ, मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा तुमने? क्यों बचाया तुमने मुझे? मर जाने दिया होता, वैसे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और अब मैं कभी क्रिकेट भी नहीं खेल पाऊंगा। अब जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है मेरी। प्लीज ये सब मत कहो। डोंट टॉक लाइक दैट। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी प्रतीक। आई लव यू, आई लव यू, प्लीज स्टॉप क्राइंग। सुनो मेरी बात, सुनो, रही क्रिकेट की बात, तुम क्रिकेट जरूर खेलोगे तुम क्रिकेट। मैं करूंगी तुम्हारे लिए कुछ, तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। I know। देखो, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारा नाम लेगी। Trust me। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। You will be number one। एक तरीका है जिससे ये सब मुमकिन हो सकता है। क्या? शैतान की साधना। और फिर यहां आके मैंने शैतान की साधना करी। शैतान से सौदा करा कि चार रूह के बदले मेरा क्रिकेट करियर। शैतान ने सलोनी को जानवर बनने की शक्ति भी दी और शैतान मेरा रूप लेकर तुम लोगों के साथ घूम रहा था। मेरा हाथ ठीक हो गया। और अब तेरी बलि के बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। तुम चारों को मैंने यहां इसलिए बुलाया था कि तुम सबकी मैं बलि देके शैतान को भेंट चढ़ा सकूं। और अब सिर्फ तेरी बलि बाकी है।
इसने तुम्हें 4 बलि दिए। अगर अगर मैं तुम्हें 5 बलि दूं तो? तो आज से सारी ताकत तुम्हारी। जादुई घेरे में बंधे हुए हैं। अगर अगर मैं उस घेरे को ही मिटा दूं तो? प्रतीक को छोड़ दोगे तुम लोग? प्रतीक ने हम सबकी बलि दी, तुम सबकी बलि दी, उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? उसे ऐसे ही जाने दोगे यहां से? चेतन चेतन हमें बचा लीजिए, चेतन चेतन हमें चला कर चलो नहीं चलो नहीं हमें।